नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस के हेल्थ केयर सेक्शन में आपका स्वागत है। वरिष्ठ और अनुभवी श्रीमती झमकू देवी आज बता रही हैं नहाने का वैज्ञानिक तरीका और समझा रही है कि गलतियां कितनी भारी हो सकती हैं और सही नहाने का तरीका क्या होगा। तो शुरू करते हैं उनकी बात। स्नान सभी अपने अपने तरीकों से करते हैं। कुछ लोग मजे से नहाते हैं तो कुछ फटाफट नहा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गलत तरीके से नहाते रहने के कारण बीमारियां बढ़ती जाएगी। कुछ लोगों में लगातार जुखाम के कारण मुंह का खुला रख कर सांस लेने की आदत पड़ जाती है और इस कारण इनके दांत बड़े भी हो जाते हैं। नहाने का एक सही तरीका है जिसका सभी को पालन करना चाहिए। सबसे पहले पानी को हाथों की अंजुली में लेकर पानी को 2 से 3 बार मुंह पर डालिए। पानी आंख और कान पर भी गिरना चाहिए और फिर पैरों के पंजों पर, घुटनों और जंघों पर डालिए। फिर धीरे धीरे पानी को पेट और कंधों पर डालिए। इसके बाद सिर पर डालिए। इसमें केवल 1 मिनट लगता है। अगर बच्चे को भी इसी तरीके से नहलाया जाए तो बच्चे बिल्कुल भी कंपाते या डरते नहीं है। सबसे पहले सिर पर सीधे पानी डालने से हमारा सिर ठंडा होने लगता है, जिससे हृदय को सिर की तरफ ज्यादा तेजी से रक्त भेजना पड़ता है। ऐसा करने से बड़े लोगों को भारी परेशानी हो सकती है। ठीक इसी तरह बच्चे भी तुरंत परेशान हो जाते हैं, जिससे बच्चे के कांपने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। माँ या परिवार के लोग समझते हैं कि बच्चा डर रहा है। सच यह है कि गलत तरीके से नहलाने से बच्चे की धड़कन बढ़ जाती है। सबसे पहले पैरों के पंजों पर सीधा पानी डालने से हमारा पैर ठंडा और सिर का भाग पैरों से गर्म होने लगता है, जिससे जुखाम, खांसी और श्वास रोग होने लगते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा होना चाहिए। सबसे पहले पैरों के पंजों पर सीधे पानी डालने से जुखाम और छींके आने लगती है। इससे पगथली भाग में जलन, एड़ियों में दरारे और फटने की परेशानी हो सकती है। नहाने का सही तरीका के अनुसार बाथरूम में आराम से बैठकर या खड़े होकर सबसे पहले हाथों की अंजुली में पानी लेकर मुंह पर डालिए और साथ में आंख और कान के पास का भाग भी भीगना चाहिए। फिर पैरों के पंजों पर पानी डालें और उसे रगड़ें। फिर पिंडलियों को, घुटनों, जांघों पर पानी डालना चाहिए। इसके बाद हाथों से मालिश करें, तब हाथों से पानी लेकर पेट को रगड़िए, कंधों पर पानी डालिए, फिर अंजुली से पानी लेकर मुंह पर और हाथों से पानी लेकर सिर पर मलिए। इसके बाद आप शावर के नीचे खड़े होकर या फिर मग्गे से पानी डालकर नहा सकते हैं। नहाने के बाद टॉवल से सारे शरीर को रगड़कर साफ करना चाहिए, लेकिन मुंह पर पानी को मुलायम हाथ से ही हटाना चाहिए। पानी अपने आप बाद में सूखना चाहिए। इस तरीके को अपनाते हुए आप कितनी भी सर्दी में नहाए कभी सर्दी जुखाम नहीं होगा। यदि सर्दी जुखाम की परेशानी हो तो रात को सोने से पहले गर्म पानी को किसी बाल्टी में लेकर पैरों के पंजों, एड़ी व घुटनों से नीचे के भाग का शेक करना चाहिए। पानी में कुछ भी मिलाना जरूरी नहीं है। पानी ठंडा हो जावे तो पैरों को पानी से बाहर निकाल अच्छे से पूंछ लेना है। आप गर्मियों में नारियल तेल से और सर्दियों में सरसों के तेल से पैरों की पगथली की 10 मिनट तक मालिश करें और पुरानी जुराब पहन कर सो जाएं, कभी सर्दी जुखाम नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो में आप श्वास के सुर को बदलने के लाभ जान सकते हैं और नाभि की स्थिति बदलने से होने वाले दोषों के बारे में जानकारी पा सकते हैं और उसे सही स्थान पर लाने के तरीके भी सीख सकते हैं।